जिस तरह सूरज की रोशनी नु कोई भी कैद नहीं कर सकता, उसकी रोशनी ने कदे ना कदे तो रोशन होना ही है। इस तरह का ही अदारा है पत्रकारी का, जिदा रोल की सूरज वांगू है, जिदा निग तो सारे जाने मानना चाहते हैं, पर इसकी माड़ी जी तपश भी निग नु खत्म कर देती है। पर अज साडे कोल एक इहो जी खबर है जिस विच पत्रकार दी रोशनी नू आप सद्दा दिता गया है, ते सद्दा देण वाले हन यूथ ऑफ पंजाब दे चेयरमैन परमदीप सिंह बैदवाल, जिन्हां ने कि पत्रकारी नू बाकी महकमां दे बराबर खड़ा कर दिता है। उन्हां ने दस्या कि जिस तरह सेहत विभाग, पुलिस विभाग, सफाई विभाग योद्धा वांगू लड़ रहा है, पत्रकार उत्थे भी पहुंच जाते हैं जिथे कि हजे कोई भी महकमा नहीं पहुंचता। अपने तन मन धन की परवाह ना करदिया होया वह ये सेवा कर रहे हैं। ये कहना है परमवीर सिंह बैदवाल का। उन्होंने एक ये भी दसिया भी हरेक पत्रकार की 50-50 लाख का बीमा होना चाहिए है, क्योंकि वह भी बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं, तो किसी वेले भी कदे भी उन्होंने भी कुछ हो सकता है। इस दे बारे वो एक मंग पत्र चीफ मिनिस्टर कोल अते गवर्नर कोल लैके जाएंगे कि पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए है। इस मौके शहीद भगत सिंह पत्रकार एसोसीएशन पंजाब के प्रधान हरप्रीत सिंह जसोवाल ने पत्रकारों नाल गल करते हुए कहा कि वह सारे पत्रकारों की तरफ तो संस्था का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मीडिया कर्मचारियों की ड्यूटी नू देख के उन्होंने इन्ना सम्मान दिता अते उन्हां दी बीमे की पॉलिसी बारे भी सोचा। इस मौके यूथ प्रधान दे मीत प्रधान बब्बू मोहाली, सकत्तर अमृत जौली, जिला प्रधान गुरजीत मटौर, नरिंदर वर्त, राकेश बांसल, रवि अरोड़ा, जतिंद्रपाल सिंह पट्टी, शरणदीप सिंह चक्कर अते हरप्रीत सिंह जसोवाल आदि होर पत्रकार भाईचारे नाल संबंधित लोग हाजिर सन। अज जिहड़ा पत्रकारां नूं जिहड़ा यूथ ऑफ पंजाब वल्लों जिहड़ा सन्मानित कीता गया है, जसोवाल साहब तुसीं कुछ पत्रकार सीनियर पत्रकार हो, की कहना चाहुंदे हो जी? मैं सब तो पहले तो सारे बधाई दिना कि जो करोना के उत्ते कंट्रोल पाने के पंजाब काफ़ी हद तक जो कामयाब होया, उसदे डॉक्टर साढ़े जो मेडिकल स्टाफ से उन्हें बहुत वधिया जो सहयोग दिता, नाल पंजाब वासियों ने, तो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां सी उन्हां तक पहुँचाने के लिए पंजाब के पत्रकारों ने अपनी जान तली दे तरके थां थां ते जाके जिहड़ी लोगों दी खबरां ने पहुँचाइयां ने कि किवें तो बचना चाहिए, कित्थे किन्ने केस आए ने, सारा कुछ जिहड़ी जानकारी लोगों तक पहुँचाते रहे हैं। सब तो वध जिहड़ा खतरा सी पत्रकारों नूं सी, क्योंकि पीपीस जिहड़ियां किट सीगियां डॉक्टर्स दे लई अवेलेबल सीगियां, पत्रकारों के लिए नहीं सीगियां। पत्रकारों का कोई बीमा नहीं सी, जिदा परमवीर ने दस्या, परमदीप जी ने दस्या कि पत्रकारों का 50 लाख का बीमा होना चाहिए, बिल्कुल सही गल्ल आ। असीं आपदी यूनियन वल्लों भी अते पत्रकार भाईचारों वालों भी साझे तौर पर गल कहने कि सारियां नूं इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारों बहुत सारिया मुसीबत आ रही ने। हालांकि सरकार नूं भी यह चाहिए कि पत्रकार जिहड़े फील्ड के ने अज जिवें परमवीर ने जिहड़ा सन्मान किया वा, पत्रकारों का बुला के एक मान दिता वा, उन्होंने बहुत वधिया गल आ, तो सरकार नूं भी इदां ही चाहिए कि वो इस तरह पत्रकारों दी जिहड़ियां मंगां ने उन्होंने पहल के आधार पर रखन। जिन्हें पत्रकार फील्ड के ने उन्होंने बहुत सारिया जिहड़ियां इदां दीयां मुसीबतां का सामना करना पैंदा, उन्होंने हमले भी होंदे ने, तो उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई भी कोई ना कोई कदम चुक्या जाना चाहिए। जसवाल साहब, कई पत्रकारों ने तो अपने जो करोना के टेस्ट करा लिते ने, पर कई पत्रकार हजे भी डर रहे हैं कि उन्होंने डर है कि साढ़े में करोना ना हो गए, या पोलीटिकल स्टंट के जरिए उन्होंने कितने ना कि, क्योंकि खबर जिहड़ियां ने पुठियां सिद्धियां लाइया प्रशासन के खिलाफ भी लाइया, डर रहे हैं कि कितने साडी जिहड़ी करोना पॉजिटिव जान के ही ना कर देवे, उन्होंने पत्रकारों नूं की कहना चाहिए कि टेस्ट करवाने चाहिए? सारिआं दे विच डर बैलिया होया भी जो करोना की कोई गल आती है, कोई पॉजिटिव नैगेटिव की गल आती है, तो तुम्हें डरन की लड़ नहीं, कोई जानबूझ के तुम्हें पॉजिटिव नहीं कर सकता, जे थोड़े कोई प्रॉब्लम आता ही पॉजिटिव आनी है, नहीं कोई पॉजिटिव नहीं आती है कि तुम डरो ना, अपने टैसट करवाओ। हालांकि सरकार वालों कहा जा रहा जिहड़े असीं टैसट किए जा रहे हैं, डरन की लड़ नहीं कि किसी का जिहड़े भी फील्ड के ने उन्होंने पहल के आधार से अपना टैसट करवाना चाहिए। टैसट ने तुम तंदुरुस्त बॉडी है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वधिया, पॉजिटिव तुम हो ही नहीं सकते। जे खुदा का कास्ता कितने कोई इतनी प्रॉब्लम आँदी भी आ, तो उस चीज़ में जरा चंगी दवाई लैके चंगी खुराक आकर उससे निजात पा सकते हो, डर की लड़ नहीं, टैसट कराओ, जिन्ने टैसट होंगे तुम अपने आप का एक डर भी खत्म होजूगा, तुहाड़े घरदिआं नूं भी खत्म होजूगा, क्योंकि लगातार तुम 2 महीने तो फील्ड के जे टैसट कराओगे तो वह भी तुहाड़ा जिहड़ा डर आ खत्म होजूगा, डर की लड़ नहीं, टैसट कराओ। सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। असीं देखो जी, ये कहना चाहते हैं पत्रकार भाईचारा साडा देश का चौथा थम है, जिदे बिना गड्डी नहीं चलती साड़ी,
ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਠਾਲਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਚਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮਤਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ 8-8, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।